तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज देशभक्ति के जोश और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय के अंसारी ऑडिटोरियम के लॉन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कुलपति और विशिष्ट अतिथि ने अंसारी ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर जामिया के स्कूल के बच्चों के जरिए कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस दौरान बच्चों ने जो शानदार प्रोग्राम पेश किए उसने सबका दिल जीत लिया। नजमा अख्तर ने अपने खिताब में कहा कि जामिया का जन्म स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ था और इसके छात्र और शिक्षक महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जामिया को महात्मा गांधी का संरक्षण प्राप्त था और आज इसे वर्तमान सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पूरे दिल से संरक्षण प्राप्त है और हमें इस पर गर्व है। नजमा अख्तर ने कहा कि जामिया हमेशा देशभक्ति, देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्य के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देता रहा है। नजमा अख्तर के अनुसार जामिया खुद को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा हुआ है। जामिया बिरादरी की तारीफ करते हुए नजमा ने कहा, मैं जामिया के इस स्वर्ण युग के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ये जामिया कर्मचारियों की सख्त मेहनत और संपन्न का परिणाम है कि मैं जामिया को उस स्तर पर ले जाने में सक्षम हूँ जहाँ इसे अपार मान्यता मिल रही है। वाइस चांसलर ने कहा कि हम सबको भारतीयों के रूप में वादा करना चाहिए कि हम अपने देश की शांति, प्रगति और शक्ति को बढ़ाने में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर चीफ गेस्ट मयंक कुमार अग्रवाल ने जामिया की स्थापना के बाद से स्वतंत्रता संग्राम और देश के विकास में जामिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार, NAAC द्वारा A++ ग्रेड, मान्यता आदि जैसी उपलब्धियों के लिए कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर की सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए विश्वविद्यालय ने आज सफलता हासिल की है। देश के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में इसका स्थान है। स्टार्टअप पर बोलते हुए उन्होंने छात्रों को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने की सलाह दी।